हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं साउथ अफ्रीका की ऑफिशियल 15 मैन वर्ल्ड कप स्क्वाड के बारे में। बाकी जितने वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हो गए आपको लिंक सारे मिल जाएंगे चैनल के अंदर, तो आप जरूर से उनको चेक कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड कप स्क्वाड की ओरिएंटेशन की बात करूं तो टीम में 5 बैट्समैन है, 1 विकेट कीपर है, 3 ऑलराउंडर है और 6 बॉलर्स है। जी हाँ, 6 बॉलर्स लिए हैं जिसमें से 4 पेस बॉलर्स हैं और 2 स्पिन बॉलर्स हैं। सबसे पहले मैं बैट्समैन की बात करूं तो बैट्समैन होते हैं कप्तान फाफडू प्लसी, हाशिम आमला, डेविड मिलर, वेंडर डसन और एडन माकरम। ये 5 बैट्समैन है काफी सॉलिड है। फाफडू प्लसी कैप्टन है, सब जानते हैं क्लास के बारे में। हाशिम आमला काफी वेटरन प्लेयर है, डेविड मिलर भी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, एडन माकरम का पिछले कुछ टाइम के अंदर वनडे फॉर्म काफी अच्छा रहा है, उन्होंने खुद को स्थापित कर लिया है टीम के अंदर। और वेंडर डसन एक काफी नए प्लेयर है, पिछले कुछ सीरीज से वो लगातार साउथ अफ्रीकन टीम में चल रहे हैं, एक यंग प्रोडिजी है और एक काफी अच्छे बैट्समैन है वेंडर डसन। तो काफी डिसेंट सा बैटिंग लाइनअप साउथ अफ्रीका का और ये काफी अच्छी उनको उम्मीदें दे सकता है। अगर बात करें तो विकेट कीपर की तो एक ही विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक, हम सब जानते हैं क्विंटन डिकॉक कितने शानदार प्लेयर हैं, ओपनिंग करेंगे हाशिम आमला के साथ इनिंग्स को। बैकअप कीपर कोई नहीं है पर डेविड मिलर अगर कीपिंग करते हुए दिखेंगे, अगर कुछ भी क्विंटन डिकॉक को होता है तो डेविड मिलर कीपिंग करेंगे। भाई क्विंटन डिकॉक दुनिया के नंबर 1 प्लेयरों में से आते हैं, एक शानदार प्लेयर है और शानदार ओपनर है साउथ अफ्रीका के लिए। क्विंटन डिकॉक से बहुत ज्यादा उम्मीद रहने वाली साउथ अफ्रीका को। अगर मैं 3 ऑलराउंडर की बात करूं तो वो है जेपी डुमिनी, एंडाइल फिलिकवायो और ड्वेन प्रिटोरियस। आपके पास जेपी डुमिनी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, फिलिकवायो ने खुद को मेन ऑलराउंडर के रूप में एस्टेब्लिश किया है साउथ अफ्रीका के अंदर, तो काफी अच्छे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एंडाइल फिलिकवायो और ड्वेन प्रिटोरियस भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। उनको क्रिस मॉरिस के ऊपर प्रेफर किया गया है। सोचा जा रहा था कि क्रिस मॉरिस टीम में आ जाएंगे पर टीम ने ड्वेन प्रिटोरियस को क्रिस मॉरिस के ऊपर पिक किया, तो कुछ सोच समझ के पिक किया होगा। ड्वेन प्रिटोरियस भी काफी अच्छे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। अगर मैं 4 पेसर्स की बात करूं तो वो है डेल स्टेन, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी और एनरिक नॉर्जे। एक शानदार 4 पेस बॉलर जो चारों के चारों 140 से ऊपर डाल सकते हैं। कगिसो रबाडा को हम आईपीएल में भी देख रहे हैं, हम जानते हैं कि दुनिया के तेज तर्रार बॉलर में से एक है और दुनिया के नंबर 1 बॉलर में से एक है। डेल स्टेन ने भी पिछले एक साल में अपना फॉर्म हासिल कर लिया है, एक काफी एक्सपीरियंस बॉलर है और एक काफी शानदार बॉलर है। लुंगी एनगिडी भी खुद को काफी जगह प्रूव कर चुके हैं, पिछले आईपीएल ही बहुत अच्छा गया था और लुंगी एनगिडी का भी शानदार फॉर्म चल रहा है। आखिरी पिक एनरिक नॉर्जे एक सरप्राइज पिक है, उन्होंने ज्यादा मैच नहीं खेले साउथ अफ्रीका के लिए पर वो एक यंग बॉलर है। इस साल आईपीएल के अंदर उनको कोलकाता ने लिया था पर वो इंजर्ड हो गए थे, तो एनरिक नॉर्जे और लुंगी एनगिडी फिलहाल दोनों के दोनों इंजर्ड हैं, दोनों ही आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। तो देखने वाली बात होगी कि किस हिसाब से फॉर्म में आएंगे, पर काफी चारों काफी तेज बॉलर हैं और साउथ अफ्रीका ने फास्ट बॉलर काफी इन्वेस्ट किया है। अगर बात करें तो स्पिन बॉलर्स की तो वो है इमरान ताहिर और तबरेज शामजी। तो तबरेज शामजी अगर लेफ्ट आर्म चाइना मैन हो जाते हैं और आपके इमरान ताहिर शानदार फॉर्म में चल रहा है आईपीएल के, तो राइट आर्म लेग स्पिनर हो जाते हैं। तो एक तरह से दोनों के दोनों लेग स्पिनर ही हैं। ऑफ स्पिन की जिम्मेदारी जेपी डुमिनी निभाएंगे। जी हाँ, जेपी डुमिनी होंगे उनके ऑफ स्पिनर, उसके अलावा कोई ऑफ स्पिनर टीम में नहीं है। तो तबरेज शामजी और शानदार बॉलर है इमरान ताहिर, दोनों ही काफी अच्छे बॉलर हैं और दोनों से काफी उम्मीदें रहेंगी साउथ अफ्रीका को। अब अगर मैं प्रेडेटर प्लेइंग 11 की बात करूं तो ये हो सकती है हाशिम आमला ओपनिंग कर सकते हैं क्विंटन डिकॉक के साथ में, नंबर 3 पे एडन माकरम, नंबर 4 पे फाफडू प्लसी, नंबर 5 पे मिलर, नंबर 6 पे जेपी डुमिनी, नंबर 7 पे फिलिकवायो, फिर उसके बाद आपके डेल स्टेन, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी और इमरान ताहिर। तो काफी अच्छी बॉलिंग है, इमरान ताहिर आपके लेग स्पिनर हो जाएंगे, आपके ऑफ स्पिनर हो जाएंगे जेपी डुमिनी, फिर आपके पास 4 फास्ट बॉलर है फिलिकवायो को मिला के, आपके पास 4 फास्ट बॉलर है, तो आपके पास 6 काफी डिसेंट से बॉलर है। तो एक काफी ज्यादा स्टेबल स्क्वाड है साउथ अफ्रीका की। हालांकि बैकअप इतने अच्छे नहीं है पर प्लेइंग 11 काफी अच्छी साउथ अफ्रीका की। बैटिंग में वेंडर डसन एक बैकअप है पर उसके अलावा एक काफी स्टेबल टीम है, मार्कर नंबर 3 पे आएंगे जो कि काफी अच्छी बात है और फाफडू प्लसी क्लास हम सब जानते हैं, और एंड में डेविड मिलर, जेपी डुमिनी और फिलिकवायो तेज खेलने में सक्षम है। तो काफी एक स्टेबल सी स्क्वाड है साउथ अफ्रीका की और मुझे उम्मीद है कि सेमीफाइनल तक तो जरूर पहुंच जाएगी साउथ अफ्रीका। तो मुझे उम्मीद है छोटी सी वीडियो को पसंद जरूर से आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। हमारे वीडियो देखना बहुत बहुत थैंक यू। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।